हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो का टॉपिक है समर्स का एक ऐसा प्लांट जो कि पूरा साल भर आपके गार्डन में रहता है और जो कि काफ़ी हार्डी प्लांट है। इस खूबसूरत से फ्लावर का नाम है मैक्सिकन पिटूनिया। जिस तरह से विंटर का पिटूनिया काफ़ी ज़्यादा फ्लावरिंग करता है, उसी तरह से मैक्सिकन पिटूनिया में भी बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग होती है। इस छोटे से प्लांट को देखिए, इसकी लीफ कितनी सुंदर है, बड़ी बड़ी और लंबी लंबी सी, जो कि इस प्लांट की खूबसूरती को बहुत बढ़ा रही है। और ये प्लांट काफ़ी ही लो मेंटेनेंस प्लांट है, क्योंकि इसको बिल्कुल भी केयर की ज़रूरत नहीं पड़ती। एक बार अगर आप इसे अपने घर ले आए प्लांट को, तो फिर ये पूरा साल भर प्लांट रहता है। सर्दियों में इस प्लांट की जो फ्लावरिंग है थोड़ी रुक जाती है, लेकिन ये प्लांट फिर भी आपके गार्डन में बना रहता है। मैंने इस प्लांट को छोटे छोटे गमलों में और प्लास्टिक की कोल्ड ड्रिंक की बॉटल्स में मैंने इन्हें लगाया हुआ है और ये बहुत अच्छे से ग्रो कर रहे हैं। मैं सुबह एक बार इनको पानी देती हूँ, क्योंकि अभी गर्मी ज़्यादा पड़ रही है। दिल्ली में तो इस समय बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, टेम्परेचर 45-47 तक जा रहा है। और अगर किसी दिन इसमें पानी देना भूल भी जाए गलती से, तो इसकी जो थोड़ी सी ब्रांचेस हैं वो थोड़ी सी लैगी सी हो जाती है। लेकिन अगर नेक्स्ट डे आप इसमें वाटरिंग करते हैं, तो फिर से प्लांट एक्टिव हो जाता है। कहने का मेरा मतलब ये है कि ये जो प्लांट है इतना हार्डी है कि ये हर सिचुएशन में, हर कंडीशन में ये आपके गार्डन में बना रहता है। मिट्टी की बात करें तो जैसे बाकी गमलों की मिट्टी होती है, वेल ड्रेन होनी चाहिए, जिसमें एक हिस्सा मिट्टी का, एक हिस्सा खाद का और एक हिस्सा सैंड का होना चाहिए। वर्मी कंपोस्ट बहुत अच्छी है इन प्लांट्स के लिए। और छोटे छोटे देखिए आप, प्लास्टिक की कोल्ड ड्रिंक की बॉटल में भी कितने अच्छे से चल रहा है मेरा ये प्लांट। बस इसमें ड्रेनेज होल जो है वो अच्छा होना चाहिए, ताकि पानी इसमें रुके नहीं, नहीं तो प्लांट मुरझा जाता है। मैंने इन्हें छत से लाकर बालकनी में रख दिया है, जिसकी वजह से अब थोड़ी इसमें कम फ्लावरिंग हो रही है। बर्ड्स तो इसमें काफ़ी बन रही हैं, लेकिन फ्लावर पूरी तरह से नहीं खिल रहे, क्योंकि यहाँ पर इनको पूरे दिन की धूप नहीं मिल रही। इस प्लांट में फ्लावरिंग के लिए 5-6 घंटे की तेज़ धूप काफ़ी ज़रूरी होती है, तभी इसमें फ्लावरिंग होती है। इसके फ्लावर एक दिन के लिए खिलते हैं, इसलिए नेक्स्ट डे जब वो मुरझा जाए तो उस फ्लावर को रिमूव कर देना चाहिए, क्योंकि उसके बाद फिर उसमें से जो बीज बनते हैं उससे प्लांट की ग्रोथ रुक जाती है और फिर फ्लावरिंग हो नहीं पाती। तो इस प्लांट को आप वैसे बीज से भी ग्रो कर सकते हैं और कटिंग से भी कर सकते हैं। मैंने कभी बीज से वैसे प्लांट को ग्रो नहीं किया, उसमें मुझे ज़्यादा लगता है टाइम लगेगा, इसलिए मैं कटिंग से ही प्लांट को ग्रो करती हूँ और बहुत अच्छे से हर कटिंग लग जाती है। प्लांट की एनर्जी बनी रहे और फ्लावर भी खिलते रहे, इसलिए टाइम टू टाइम जो येलो लीफ होती हैं उनको रिमूव कर देना चाहिए। इस प्लांट में आपको वाइट कलर और पिंक कलर के भी फ्लावर वाला प्लांट मिलेगा। अब अगर फर्टिलाइज़र की बात करें, तो अगर आप इसे फर्टिलाइज़र नहीं भी डालते, ये प्लांट तब भी बहुत अच्छे से ग्रो करता है और फ्लावरिंग भी करता है। लेकिन अगर आपको इसमें फर्टिलाइज़र देना ही है, तो मैंने तो इसमें काऊ डंग का लिक्विड फर्टिलाइज़र, जो मैं बाकी अपने प्लांट्स को देती हूँ, तो मैंने इसको भी दे दिया था। फ्रेंड्स, मैं अपने जितने भी फ्लावर्स वाले प्लांट हैं उनमें थोड़ी सी मैं बोन मील भी डाल देती हूँ। डिपेंड करता है गमले का साइज़ कितना है, उसके अकॉर्डिंग मैं थोड़ी थोड़ी सी बोन मील डाल देती हूँ, ताकि फ्लावर जो खिलने वाले फ्लावर हैं उनका साइज़ थोड़ा बड़ा आए और वो देखने में भी खूबसूरत लगे फ्लावर। आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और अगर अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और फ्रेंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से और लाइक करने से मुझे मोटिवेशन मिलता है और मैं फिर नई नई वीडियो लेकर आऊँगी आपके लिए। तो मिलते हैं एक नए ब्लॉग में नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।